हेलो क्लास टेंथ, मैं आपका नुपसर बच्चा और आज हम बात करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.10 और जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे इस एक्सरसाइज की, नहीं देखे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें अपन ने वहां पर डिस्कस की है ना। तो आई थिंक आप एक बार उसको देखो, आपका बड़ा भाई या आपका सर होने के नाते मेरी ये रिक्वेस्ट, आप सभी से देख लिया करो, चाहे डबल स्पीड पे देख लो पर देख जरूर लेना। और अगर आपको क्लास 11 10th आरडी शर्मा में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने चैप्टर नंबर 3 तक सभी कॉन्सेप्ट एग्जांपल और वीडियो एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इन ए रेक्टेंगल, आपके पास एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रिथ इज डिक्रीज बाय 4 मीटर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर। इस क्वेश्चन में क्या समझने लायक बात है सर, सबसे पहले मुझे पहले ओरिजिनल लेंथ तो बताइए फिर मैं उसको इंक्रीज करूंगा, ओरिजिनल ब्रिथ बताइए फिर उसको मैं डिक्रीज करूंगा और ओरिजिनल एरिया भी तो बताइए। तो हमने कहा एक काम करते हैं, हम एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं और उस रेक्टेंगल की लेंथ ले लेते हैं एक्स और ब्रिथ ले लेते हैं वाई। तो अगर लेंथ एक्स है ब्रिथ वाई है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स इंटू वाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रिथ होता है। फिर हम कह देंगे भाई केस वन बना के कहेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ इंक्रीज कर दो 3 यूनिट और ब्रिथ डिक्रीज कर दो 4, तो x प्लस 3 कर देंगे y माइनस 4 कर लेंगे। फिर हम एक एरिया कैलकुलेट करेंगे, वो एरिया क्या होगा, ओरिजिनल एरिया, ये रहा ओरिजिनल एरिया, इससे क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा 67 स्क्वायर मीटर। आई थिंक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना। तो इसलिए मैं देखो हर एक क्वेश्चन के अंदर तुम्हें हर एक छोटी छोटी बात समझाई जाएगी, क्यों ऐसा किया जा रहा है वो भी समझाया जाएगा है ना। बट देखो सारी बातें अगर मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा एक्सरसाइज की तो वीडियो लेंदी हो जाता है, तो कुछ बातें मैं एग्जांपल में और डीपली बता देता हूं ताकि वहां पे बच्चे अगर जिसको पढ़ना है वही एग्जांपल देखता है। मेरा मानना तो यही है क्योंकि एग्जांपल पे व्यू कम आते हैं, तो व्यू कम आने का मतलब ये है कि जिनको ज्यादा सीरियस है वही देखते हैं, बाकी शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ को अपने ट्यूशन का वर्क करना होता है क्योंकि टीचर दे देते हैं भाई ट्यूशन सेंटर पे कि चलो बच्चा आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 3.10 सॉल्व करके लाना। अब वो सॉल्व करने के चक्कर में वीडियो देखते हैं फिर सॉल्यूशन देख के निकल लेते हैं। समझना है तो टाइम देना पड़ेगा, हर एक बात को देखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो भाई आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स मीटर, क्योंकि मीटर की बातें हो रही है, यूनिट की बात होती तो यूनिट ले लेते, एंड ब्रिथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रिथ क्या ले लेते बच्चा, वाई मीटर। ओके, सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सर हमारा एक्स इंटू वाई मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर लिख दो, ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं आराम से, दूर लिख लेते हैं इससे एम स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मीटर, अरे यार भाई एरिया स्क्वायर में आता है ना, तो इसलिए लिख रहा हूं मैं इसको स्क्वायर मीटर लिख लेता हूं फिर स्क्वायर मीटर। अब देखो छोटी छोटी बातें मैंने मिस कर दी यहां पे, क्या लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो वो भाई साहब आप लिख लेना, बाकी समझने का काम है अपना। नाउ केस वन, पहला केस क्या कह रहा है, ये कह रहा है साहब उसकी जो लेंथ है ना वो एल, हम एक बार लेंथ को एल बोल रहा हूं, वो क्या है 3 मीटर इंक्रीज कर दी जाए, तो x प्लस 3 हो जाएगी भाई, अरे पहले x थी अब इंक्रीज करोगे तो x प्लस 3 मीटर लिखोगे, और ब्रिथ क्या हो जाएगी, ब्रिथ हो जाएगी सर हमारे पास y माइनस 4, क्यों भाई 4 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये कह रहा है डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर। ओके नाउ सो एरिया हमारे अकॉर्डिंग, अभी के लिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सर लेंथ इंटू ब्रिथ के अकॉर्डिंग एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4। Therefore, अब हम यहां पे लिखेंगे साहब ये जो एरिया है ये अपने ओरिजिनल एरिया से रिलेट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अब जो एरिया आपके पास आया है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया 67 स्क्वायर मीटर, मतलब पुराने वाला जो एरिया है उससे रिड्यूस हुआ है। तो यहां पे देखो मान लो पहले कुछ भी एरिया था, अब जो एरिया आया है ध्यान से देखना वो इस एरिया से 67 कम आया है। ओके सर, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अभी जो एरिया, या सिंस लगा के लिख दो कि हमें एक रीजन पता चल गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी जो एरिया है एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4, ये जो एरिया है पुराने वाले एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर मीटर कम आया है, क्या ये बात पकड़ में आ रही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा, तो एक्स वाई माइनस 4x हो जाएगा, फिर मैं प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3y माइनस 12 हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा भाई xy माइनस 67 के इक्वल आएगा, xy से xy कट जाएगा,
फोर एक्स और थ्री वाई को उधर ले जाओ, 67 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा बच्चा 67 माइनस 12। भाई 67 इधर माइनस का, इधर आया तो प्लस का हो गया, माइनस 12 पहले से ही है, इक्वल में हो जाएगा 4x माइनस 3y। क्या ये बात पकड़ में आए? कोई भी डाउट आए कहीं पे भी तो टाइम स्लॉट के साथ मुझसे तुम डाउट पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके नाउ ऐसे लिखू भाई इसको मैं, 4x माइनस 3y एक साइड में, इक्वल में देखो 67 में से 12 माइनस करेंगे तो 55 आएगा सर, और दैट इज अवर इक्वेशन नंबर वन। अब केस टू की बात करते हैं, क्या कह रहा है भाई केस टू में? वो कह रहा है साहब सुनो, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर, तो अब जो आपकी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 मीटर, एंड ब्रिथ इज इंक्रीज बाय 4 मीटर, अब आप ब्रिथ को कितना कर दो, y प्लस 4 मीटर कर दो, देन द एरिया इज इंक्रीज बाय 89 स्क्वायर मीटर। अभी जो तुम्हारा एरिया आ रहा है, सो एरिया ए लिख रहा हूं मैं यहां पे, या एरिया लिख दूं क्या, चलो भाई, सो एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी तुम्हारा एरिया हो जाएगा सर x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो एरिया आया है ये पुराने वाले एरिया से कितना इंक्रीज होके आया है, 89 स्क्वायर मीटर। तो आप इसको लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी जो एरिया है वो पुराने वाले जो ओरिजिनल एरिया था उससे कितना ज्यादा है बच्चा, 89। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तो इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन सोल्व करनी तुम्हें आती है, तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, फिर वीडियो देख सकते हो डाउट आए तब। पूरा सॉल्यूशन मत देखा करो, जहां तक बात पकड़ में आ जाए और बाकी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन तो आप सोल्व किया करो बच्चा। नाउ सोल्व करो भाई इसको, तो x इंटू वाई प्लस 4x हो गया, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का y माइनस का 4 हो गया, इक्वल में आया बच्चा एक्स वाई प्लस 89। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, अब देखो मेरी x की टर्म प्लस की है, यहां पे माइनस की थी इसलिए मैं उसको RHS में लेके गया, तो मैंने कहा यहां पे प्लस में है तो यही रहने दो इसको, 4x माइनस वाई यही है, बट ये माइनस 4 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बच्चा 89 प्लस 4 कितना हो गया, प्लस का 4 दिख रहा है, तो ये हो गया बच्चा 4x माइनस वाई इक्वल 89 में 4 प्लस करोगे तो 93 आ रहा है क्या, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर अब इक्वेशन 1 और 2 आ गई है तो मैं आपको नई स्लाइड पे बात करेंगे, अपन पुरानी पे बातें कम करते। तो पहली इक्वेशन क्या आई आपके पास, 4x माइनस 3y इक्वल में है 55, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल में है 93, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। आराम से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब क्या करेंगे सर, देखो दोनों में x के कोफिशियंट इक्वल है बट साइन डिफरेंट लाने के लिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 की सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस की टर्म है ये माइनस की, ये माइनस की टर्म है ये प्लस की, ये प्लस की टर्म है ये माइनस की हो जाएगी, ये दोनों तो कट गए भाई, माइनस का 3y है प्लस का y है तो यहाँ पे बचा माइनस का 2y इक्वल में, प्लस का 55 है माइनस का 93 है, तो ऐसा करो ना 93 में से 55 माइनस कर लो और आंसर जो आए उसके माइनस साइन लगा देना, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा। आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई, 38 ही आ रहा है पक्का। अरे 93 में से अगर आप माइनस करो 55, 38 आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 38, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, माइनस 38 डिवाइड बाय माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 का डिवाइड कर दो भाई, 38 में 2 का डिवाइड करना है ध्यान से करना, तो 2 वन जा 2 18 बच्चा 9 आ गया, y की वैल्यू आ गई बच्चा 19। अब ये जो y की वैल्यू है तुम इक्वेशन 2 में ही पुट करने वाले हो मुझे पता है, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करके उधर भेजना पड़ेगा, तो आपने काम किया यहाँ पे कि पुट y इक्वल 19 इन इक्वेशन 2, चाहे तो 1 में कर लेना भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे 4x माइनस 19 इक्वल में है 93, माइनस 19 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4x इक्वल 93 प्लस 19, 4x इक्वल 100 हो गया, 100 में 12 ऐड करोगे तो 112 आएगा भाई, अरे 93 में अरे इतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे हिसाब से ना, तो ये आ गया बच्चा 112। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 112 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8 बचा कितना 32, 8 4 जा 32, ठीक है 112 में मैंने 4 का डिवाइड कर दिया 28 आ रहा है। अब x और y आ गए और तुमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमने कहा डायमेंशन हमारी लेंथ तो x थी और ब्रिथ क्या थी y थी, तो आप यहां पे लिख देंगे, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 28 मीटर,
एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 19 मीटर। आई थिंक क्वेश्चन नंबर वन में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन कैसे हमने इक्वेशन बनाई वो भी दिक्कत नहीं है, दूसरा इक्वेशन सोल्व कैसे करनी है वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो टाइम स्लॉट के साथ कमेंट कर दो ताकि मुझे भी देखने में आसानी लगे कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तुम कहते हो सर क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ दिक्कत है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर वन का पूरा वीडियो देखना पड़ता है कि कहाँ पे बात कर रहा है भाई ये, तो टाइम स्लॉट के साथ किया करो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर टू, एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चा, देखो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिले और वो क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेज हो वो एक सर्किल पे हो, मतलब ये एक सर्किल हो और इस सर्किल की सर्कमफेरेंस पे चार पॉइंट हो, तो इनको बोलते हैं वर्टिसेज किसी भी पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल नहीं होता वो, पॉलिनोमियल तो वो होता है ना जिसमें एक्स वाई होते हैं। क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं अपन, पॉलीगन बोलते हैं ना, तो कोई भी पॉलीगन हो, तो जैसे क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिलेटरल है बच्चा। और ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्यों है, क्योंकि इसके जो वर्टिसेज है वो एक सर्कल की सर्कमफेरेंस पे है। तो इसमें क्या होता है, मैंने कहा इसके अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल सी है, वैसे एंगल बी और एंगल डी है, इनका सम 180 डिग्री होता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। अब ये जो थ्योरम है ये 9th क्लास में है, आप उनको पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ी हो तो आप लोगों ने। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ए बी सी डी चाहे डायरेक्शन में लिखो बट ऐसा मत लिखना ए इधर लिखा बी इधर लिखा फिर सी इधर लिखा डी इधर लिखा, ये गलत हो जाएगा। तो तुम ए और डी का सम करने बैठ जाओगे वो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। एक सर्किल में, जैसे एक सर्किल में ऐसे लिखो नाम, या तो इस डायरेक्शन में लिखो या फिर इस डायरेक्शन में लिखो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी सी और डी। तो देखो ए सी का सम आएगा और बी डी का, यहाँ पे भी ए सी और बी डी का ही सम आ रहा है। ओके, आई थिंक ये बात पकड़ में आ गई, क्वाड्रिलेटरल का मतलब, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब। तो आपने कहा देखो सर यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंस इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। यहाँ पे सप्लीमेंट्री भी लिखा हुआ, कहीं पे आपने देख लिया हो तो घबराना मत, क्योंकि सप्लीमेंट्री 180 डिग्री को ही बोलते हैं। तो आप लिखेंगे देयर फोर एंगल इन ए इन, यहां पे लिख देता हूं, इन ए बी सी डी, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऐसे लिख लेते हैं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 4y प्लस 20 प्लस एंगल सी कितना है भाई 4x, ये इक्वल में आ जाएगा 180। तो यहां से आप लिखोगे 4x प्लस 4y और 20 को इधर भेज देंगे भाई साहब, तो 180 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चा आपका 4x प्लस 4y इक्वल में 160। देखो बच्चा यहां से 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस y आ जाएगा इक्वल में 160, और इस 4 का डिवाइड यहां पे दोगे तो x प्लस y इक्वल हो जाएगा 40 के, क्योंकि 4 का डिवाइड 16 में 4 टाइम जाता है, 0 साथ में लग गया, और दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। एंड यहां पे दूसरी बात, एंगल b प्लस एंगल d ऑल्सो 180 डिग्री सम होता है इनका, तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल b कितना है 3y माइनस 5 प्लस 7x प्लस 5 इक्वल में 180 हो जाएगा भाई। अब देखो इसको ऐसे लिखो 7x प्लस 3y और ये माइनस का 5 प्लस का 5 है, कट गए भाई, इक्वल में आ गया 180। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत भाई किसी को, अरे ब्रैकेट ओपन करके लिखना था, एक स्टेप मैं मिस कर रहा हूँ बस जल्दबाजी में। ओके क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व कर लेंगे भाई। तो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, एक्स प्लस वाई इक्वल में है 40, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 3y इक्वल में 180 है, शायद 180 है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या करें, तो आपने कहा सर देखो x के कोफिशियंट इक्वल आने के लिए इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और y के कोफिशियंट इक्वल आने के लिए इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई, तो एक काम करें 3 से ही कर लेते हैं। तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, 3x प्लस 3y इक्वल,
थ्री से 40 को मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, दैट इज योर इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखो इक्वेशन थ्री और टू को देखो, y के कोफिशियंट इक्वल है बट साइन डिफरेंट चाहिए, तो आप यहां पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू, जिससे इक्वेशन थ्री की टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे 3x प्लस का है तो ये माइनस का, 3y प्लस का ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये तो कट गए साहब। 7x माइनस 3x 4x इक्वल में 180 में से 120 माइनस करोगे 60 आएगा, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन 4, तो ये आ गया भाई 15, 4 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई भाई 15। कितनी आ गई बच्चा लोग? 15 आ गई सर। ओके सर, नाउ y की वैल्यू चाहिए, तो आपने कहा पुट x इक्वल 15 इन इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे 15 प्लस y इक्वल में 40, और यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस 15, तो y आ गया भाई साहब आपका 25। x और y की वैल्यू आ गई, बट x और y की वैल्यू तो हमें चाहिए ही नहीं थी, हमें तो एंगल a, एंगल b, एंगल c और एंगल d पता करना है। तो आप कहेंगे एंगल a क्या है? सर एंगल a है 4y प्लस 20 डिग्री, 4y प्लस 20 डिग्री, तो 4 इंटू y मतलब 25 प्लस 20, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, प्लस 20 करोगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, तो एंगल a तो आ गया सर। एंगल b कितना है भाई आपका? एंगल बी है आपका 3y माइनस 5 डिग्री, तो आप लिखेंगे 3 इंटू 25 माइनस 5, 25 को 3 से मल्टीप्लाई 75 माइनस 5, तो ये हो गया भाई साहब 70 डिग्री। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? चलो फिर नेक्स्ट देखो एंगल सी कितना है आपका। एंगल सी है 4x डिग्री, तो आप लिखोगे 4x, 4x का मतलब है 4 इंटू 15, 15 4 जा 60, तो ये हो गया 60 डिग्री का। लास्ट बचा है एंगल डी, एंगल डी कितना है? 7x प्लस 5 है, एंगल डी है आपका बच्चा 7x प्लस 5, 7 इंटू 15 प्लस 5, तो कितना होगा 105, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 105 आएगा प्लस 5, तो ये हो गया आपका 110 डिग्री। अब तुम चाहे चेक कर सकते हो एंगल ए का सम और सी का सम 180 होना चाहिए, तो 60 और 120 का सम 180 हो रहा है। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी का सम 180 होना चाहिए, 70 प्लस 110 180 हो रहा है, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर टू में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो भाई कमेंट करके, और हाँ वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं भी मुझे। ओके बच्चा, नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है? यस, एक बच्चा है उसने स्कोर किए 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, किसी टेस्ट में उस बच्चे के 40 नंबर आने हैं। Getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Okay, मतलब एक बच्चे के 40 नंबर आए, कब आए? जब उसको 3 नंबर मिले हैं सही आंसर के और एक नंबर कट गया है उसके रॉन्ग आंसर का। हमें तो नहीं पता कितने क्वेश्चन उसने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, हमें यह भी नहीं पता टोटल क्वेश्चन कितने थे उस टेस्ट के अंदर। ओके, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट आंसर के 4 नंबर दिए जाए एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और गलत आंसर के 2 नंबर काटे जाएं, देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, तब यस 50 नंबर स्कोर करेगा। ओके सर, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुम ये लेट कर सकते हो कि वो कितने क्वेश्चन थे। मान लिया आपने एक्स है ना, फिर आप निकालोगे कि मान लो दूसरी चीज भी तुम्हें लेट करनी पड़ेगी कि उसके कितने सही आंसर थे। ओके सर, बट एक क्वेश्चन जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है और वर्ड प्रॉब्लम्स में 2-3 चीजें हम लेट कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि इसको भी लेट किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, इसको भी किया जा सकता है, तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना, उन्हीं 2 चीजों को लेट किया करो जिनके अंदर कुछ चेंजेस किए जा रहे हों क्वेश्चन में। ये बात देखो कुछ बच्चों के समझ में आ गई क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल के वीडियो देखे थे। जैसे बच्चा एक क्वेश्चन है जिसमें स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, अब तुम तीनों में से किन्हीं 2 को लेट कर सकते हो क्योंकि तुम 2 ही चीजें तो लेट करोगे लीनियर इक्वेशन में, एक्स और वाई के लिए जेड थोड़ी ना लाओगे, तो आप क्या करोगे, चाहो तो स्पीड को लेट कर लो चाहे डिस्टेंस को, इसके अकॉर्डिंग तुम टाइम पता करोगे, या फिर ऐसा हो सकता है तुम स्पीड भी लेट करो टाइम लेट करो और इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस पता करो, फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस इक्वल और स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम में, या फिर ऐसा हो सकता है तुम डिस्टेंस लेट करो स्पीड लेट करो उसके अकॉर्डिंग टाइम लेट करो उसके अकॉर्डिंग स्पीड निकालो, तो बहुत सारे केस बनते हैं। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सर इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिन चीजों में क्वेश्चन चेंजेस कर रहा है उन्हीं चीजों को लेट करो। तो यहां पे हम क्या लेट कर सकते हैं?
हमने लेट कर लिया कि कितने उसके राइट क्वेश्चन थे और कितने उसके रॉन्ग क्वेश्चन थे, जिससे हमारे को क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना आसान रह जाएगा। जैसे आप सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट करोगे, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, राइट आंसर्स इक्वल एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, नंबर का मतलब समझ रहे हो, नंबर मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं, रॉन्ग आंसर कितने की है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस लिख सकता हूं या आंसर एक ही बात है यार, आंसर लिखो चाहे क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर्स इक्वल है वाई, तो मुझे बता सकते हो टोटल क्वेश्चन कितने हैं। देयर फोर टोटल क्वेश्चंस इन टेस्ट कितने होंगे, जल्दी बताओ। तो आपने कहा सर किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन गलत किए, 10 क्वेश्चन सही किए, 4 क्वेश्चन गलत किए, तो टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, माइनस थोड़ी ना करेंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन, पहला केस क्या कह रहा है, वो कह रहा है बच्चे के 40 नंबर आएंगे। मैंने कहा ठीक है साहब, कब आएंगे, जब उसने तीन क्वेश्चन, तीन नंबर राइट मार्क्स राइट आंसर के मिलेंगे। तो उसने अगर एक्स क्वेश्चन सही किए तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग 3x मार्क्स हो गए, सही क्वेश्चन हो गए, और एक नंबर कटेगा गलत आंसर का तो माइनस वाई करोगे। अरे बच्चा 10 क्वेश्चन गलत किए तो 10 × 1 10 ही हुए ना नंबर, 3 × x इतने नंबर तो आ गए सही के, और उसमें से ये नंबर माइनस हो जाएंगे, तो ओवरऑल कितने नंबर आए उसके, 40 आए। दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन। केस टू क्या हो गया, केस टू हो गया सर यहाँ पे देखो, अगर 4 नंबर उसको अवार्ड किए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के तो 4x मार्क्स हो गए टोटल सही आंसर्स के, 2 मार्क्स काटे जा रहे हैं इनकरेक्ट के तो -2y हो जाएंगे, इक्वल में कितना आएगा 50। दैट इज योर इक्वेशन नंबर टू। क्या इक्वेशन समझ में आई क्या, सही नंबर को भाई मान लो तूने 5 क्वेश्चन सही किए तो एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिल रहे तो 50 नंबर मिल गए। अरे ये एक्स है, वाई मान लो तुम्हारे 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन का एक नंबर कट रहा है तो 2 क्वेश्चन हो गए कितने कटेंगे, 2 नंबर कटेंगे, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। यही तो कह रहा है अप्रोक्सीमेटली बात है, तो यही कह रहा है। ओके सर ना, अब इनको सोल्व कर लो भाई। तो आपने कहा देखो सर इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वाई के कोफिशियंट इक्वल करने, एक्स के भी कर सकते थे बट वाई के कर लेते आसान है, तो टू से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल में 80। दैट इज योर इक्वेशन नंबर थ्री। तुम लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू है ना। नाउ साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कट गए भाई। कैसे हुआ, आप यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू, जिसकी वजह से इक्वेशन थ्री की टर्म्स के साइन चेंज हो गए। 4 - 6 कितना होता है -2x साथ में भाई इक्वल में 50 - 80 - 30 हो गया। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी भाई -30 / -2 दैट इज 15। मतलब 15 क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन सही थे 15 क्वेश्चन सही थे। अब x की वैल्यू पुट कर लो, तो आपने कहा पुट यही कर लेते इसको, पुट x इक्वल 15 इन इक्वेशन वन, तो क्या हो जाएगा देखो भाई 3 × 15 - y = 40। 3 को 15 से मल्टीप्लाई 45 हो गया, माइनस वाई उधर ले जाओ 40 को उधर ले आओ, तो माइनस का 40 इक्वल में y हो गया और यहां से y की वैल्यू आ गई 5। तो देखो सही क्वेश्चन 15 अटेम्प्ट किए, गलत क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किए उसने, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो आप लिखोगे सो टोटल क्वेश्चंस इन ए टेस्ट इज आर, आप लिखोगे x प्लस वाई, तो ये हो जाएंगे बच्चा 15 + 5 दैट इज 20। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे उस टेस्ट में और उसी टेस्ट की बात कर रहा था ये, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब देखो आप अगर प्रीवियस पुरानी आरडी शर्मा तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर आपको देखो नहीं देख जिसको नहीं है ना, जिसके पास पुरानी बुक नई वाली बुक से पढ़ रहा है, जिसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस को कम किया गया है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप अगर पुरानी आरडी शर्मा के सॉल्यूशन देखना चाहते तो अपने चैनल पे अवेलेबल है, जो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर आई थी है ना, उसमें सिलेबस रिड्यूस नहीं था, पूरा सिलेबस था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो एक पैटर्न के ऊपर 2-3 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रीवियस आरडी शर्मा का सॉल्यूशन देखिए और वहां से आप कर सकते हैं, अपने चैनल पे अवेलेबल है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साहब द कार हायर, एक कार आपने हायर की, चार्जेज इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इस बात का मतलब ये, आप किसी कार वाले के पास गए कि साहब मुझे आपकी कार है वो रेंट पे चाहिए, किराए पे लेनी है। तो वो कार वाला बोला देख भाई मैं एक तो फिक्स चार्ज लूंगा, तूने मेरी गाड़ी किराए पे ली ना तो मैं फिक्स चार्ज लेने वाला हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, और प्लस एक दूसरा चार्ज होगा वो चार्ज पर किलोमीटर होगा,
इस बात का मतलब समझो, मान लो आपने कोई गाड़ी है वो रेंट पे लेना चाहते हो, और वो आप बोले कि साहब मैं 50 किलोमीटर जाके आऊंगा इस गाड़ी से, तो उसने कहा सुनो साहब 200 रुपये तो फिक्स लूंगा, 200 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज है मेरे गाड़ी किराए करने पे, प्लस 1 किलोमीटर की मैं 5 रुपये लूंगा, कितने रुपये लूंगा, 5 रुपीज़ कंसिडर करूंगा आपसे, तो 50 किलोमीटर के कितने रुपये हो जाएंगे, 50 × 5 तो दैट इज 250, तो आपको टोटल कितना रुपये देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा और प्लस ये वाला पैसा भी देना पड़ेगा। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ठीक है सर, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है बट होता भी है, कुछ सिटीज में ऐसा पॉसिबल है, सिटीज की बात भी नहीं है, रूरल एरिया में भी ऐसा लेते हैं किराया जो कार वाले होते हैं, गाड़ी वाले होते हैं। तो आपको सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लेट करना है, आपको लेट करना है लेट फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज ले लो मान लो रुपीज एक्स, कितने रुपए ले लिए उसने, एक्स रुपए, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। इस पे देखो क्वेश्चन कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, तो एक टाइप का तो ये हो गया और डिस्टेंस वाला मतलब कार या बस जो भी है, दूसरा होता है लाइब्रेरी का, और तीसरा होता है बेटा हॉस्टल में, कि हॉस्टल में रूम का ये चार्ज है प्लस जो मेस का चार्ज है वो अलग है। तो तीन टाइप के क्वेश्चन है, इनको समझ लेना। तो देखो इसमें कह रहा है फॉर ए जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर, अगर आप 12 किलोमीटर गाड़ी लेके जाओगे, तो केस वन बनाता हूँ आराम से समझाऊंगा, आपने गाड़ी किराए पे ली 12 किलोमीटर पे, तो वो क्या बोलेगा, देखो साहब एक्स रुपए तो लगेगा ही लगेगा, यस और नो? हाँ सर। यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, 12 × y, 1 किलोमीटर के y रुपीज है, तो 12 किलोमीटर के 12 y रुपीज हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, देखो द चार्ज पेड इज 89 रुपीज, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 12 y इक्वल है 89, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर वन। अब केस टू क्या कह रहा है वो भी समझ लेते हैं भाई, वो केस टू कह रहा है फॉर ए जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर, अगर आप 20 किलोमीटर के लिए गाड़ी लेते हो, तो 20 किलोमीटर में आप बोलोगे एक्स रुपए तो फिक्स हो गया, और यहां पे 20 × y रुपीज लगेंगे, दैट इज 20 y रुपीज भी फिक्स, ये क्या है चार्ज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, तो आपको कितने रुपए देना पड़ रहा है, 145। तो हमने कहा देखो भाई यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 20 y की वैल्यू कितनी आएगी, 145, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर टू। अब मुझे कोई बच्चा बता दो कि किसी को यहां पे कोई दिक्कत है नहीं है, चलो फिर नाउ अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन वन क्या है आपके पास, x प्लस 12 y इक्वल है 89, और हमसे ये कह रहा है व्हाट इज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, तो हम कहते हैं अभी बता देते हैं, रुको भाई जल्दबाजी मत करो। तो इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू क्या है, x प्लस 20 y इक्वल है 145, दैट इज योर इक्वेशन नंबर टू। देखो बच्चा x के कोफिशियंट इक्वल है 1 1 है, तो आप क्या करोगे इक्वेशन टू को 1 से सबट्रैक्ट करोगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गए साहब, 12 − 20 y, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 y इक्वल, माइनस का 145 है, माइनस प्लस 8 है, तो देखो आंसर तो माइनस का आएगा, तो आप एक काम करो 145 में से 8 माइनस कर लो, तो ये आ गया 137, कितना आ गया बच्चा 137, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताओ मुझे, 137 में किसका डिवाइड करेंगे, वैसे माइनस से माइनस भी कैंसिल करना है अपने को, इसमें 8 का डिवाइड करेंगे सर। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, कुछ तो गलती कर दी भाई अपन ने। तो एक बच्चा बोला सर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने कहा क्या कर दिया, बोला 89 था, ओहो सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पे 89 था, ये गलती हो गई बस, तो हमने कहा यही बैठा देंगे फिर, तो 145 में से 89 माइनस कर लो भाई लोग, तो आपने कहा सर जल्दी से करते हैं, तो आंसर तो सर माइनस का ही आएगा, बट आंसर आएगा 56, कितना आ रहा है बच्चा 56, और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो −56 डिवाइड बाय −8 हो जाएगा, आंसर आ गया 7 7 8 = 56 होता है। अभी जो y की वैल्यू तुम चाहो तो इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हो, तो मैंने कहा देखो भाई पुट करेंगे y इक्वल 7 इन इक्वेशन 2, किस में पुट करेंगे भाई, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 20 × 7 इक्वल में आएगा 145, तो x की वैल्यू देखो x प्लस 7 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 140 आएगा, इक्वल में 145, और यहां से 140 उधर भेज दो, तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 145 माइनस 140 दैट इज 5, x की वैल्यू आ गई 5 दैट इज योर फिक्स चार्ज, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है 7 रुपए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये वैल्यू नहीं पूछ रहा तुमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि 130 किलोमीटर के लिए आप अगर गाड़ी किराए पे लेते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हमने कहा देखो साहब यहां पे हम लिखते हैं x की वैल्यू तो आई है 5 और y की वैल्यू आई है 7, तो हम यहां पे लिखेंगे पे बाय ए पर्सन फॉर 30 किलोमीटर। देखो आप बोलोगे सर देखो फिक्स चार्ज लगेगा तो 5 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस
1 किलोमीटर के 7 रुपए हैं, तो 30 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे? तो आप लिखोगे 7 × 30। ये बात पकड़ में आ गई क्या? हाँ सर। तो आपने लिखा 5 + 7 × 3 = 21, 210। दोनों को ऐड करोगे तो ₹215, कितने रुपए देने पड़ेंगे? 215 रुपए, ₹215 देने पड़ेंगे आपको 30 किलोमीटर गाड़ी अगर किराए पे लेनी है तो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है सारी बातें, लगभग बस वर्ड चेंज हो गए। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इन ए कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। एक आदमी कितने दिन तक, नंबर ऑफ डेज है ना, कितने दिनों तक खाना लेता है मेस पे, उस पर डिपेंड करता है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर एक बच्चा ए है वो 20 दिन तक खाना लेता है, ही हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो वही सेम पैटर्न है, देखो फिक्स चार्ज लग रहा है और पर डे का फूड लग रहा है, तो हम दोनों चीजों को लेट कर लेते हैं। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लेट करेंगे? लेट फिक्स चार्ज इन हॉस्टल, फिक्स चार्ज इज ₹x एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का हॉस्टल में खाना खाने के कितने रुपए लग रहे हैं? ₹y लग रहे हैं। तो अगर मान लो आपने हॉस्टल में 20 दिन रुके हो, 20 डेज, तो क्या होगा इसका सिचुएशन? तो आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो साहब यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 20 दिन का 20y, 20y रुपीज हो गए खाने के, एक्स हो गया फिक्स चार्ज, दोनों को मिला के कितने रुपए बन गए? 1000। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स तो लगेगा ही लगेगा सर, प्लस 26 दिन तक रहा है क्या स्टूडेंट बी, तो हो जाएगा 26y इक्वल में कितना आएगा? 1180। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। बहुत आसान है ना। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सेपरेट करो, मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सेपरेट कर लो। तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा माइनस, ये एक्स से एक्स तो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 6y इक्वल में माइनस का 180। अरे हाँ, 1000 में से 1180 माइनस करो, फिर माइनस का साइन लगा दो, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -180 डिवाइड बाय -6 हो जाएगा, और 3 टाइम कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 30। मतलब पर डे का 30 रुपये लग रहे हैं भाई हॉस्टल में खाना खिलाने का, ये तो ठीक है यार, इतना सस्ता तो बहुत अच्छा है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो आप करेंगे पुट y इक्वल 30 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 × 30 इक्वल में आ जाएगा 1000। ये x प्लस 600 हो गया भाई, इक्वल में आ गया 1000, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1000 - 600, दैट इज 400। कितने रुपए बन गए? ₹400 हॉस्टल में फिक्स चार्ज हो गए, और खाने की कितने रुपए लग रहे हैं? 30 रुपए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो फिक्स्ड चार्ज इन हॉस्टल इज ₹400 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का खाना कितना लग रहा है? ₹30। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 को समझा या 5 को देख लिया तो समझ में आ जाएगा, फिर भी कम प्रॉब्लम मतलब कम समझ में आ रहा है और थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार एग्जांपल के वीडियो देखने की कोशिश करो टाइम निकाल के, तो समझ में आ जाएगा। ओके बच्चा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। देखो एक तो बात कर रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? सर ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। उसमें से एक बड़ा एंगल है एक छोटा एंगल है, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लेट करेंगे? लेट लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री, एंड डिग्री लिख देना लास्ट में एक्स डिग्री, एंड स्मॉलर एंगल इज वाई डिग्री। क्या है? वाई डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हम यहां पे सबसे पहले बात ये लिखता हूं, सिंस सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना उनका सम बोल सकते हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब ये कि एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल y है, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो आप यहां पे भी लिखेंगे सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल 180। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है?
लार्जर एंगल, तो बड़ा जो एंगल है वो कौन है, एक्स है, वो छोटे एंगल से एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा, कितना 18 डिग्री। तो आप लिखोगे वाई जो है उसमें 18 ऐड करोगे, 18 डिग्री स्मॉलर एंगल में 18 डिग्री ऐड करोगे तो बड़ा एंगल आ जाएगा। इसको तुम लिख सकते हो एक्स माइनस वाई इक्वल 18, दैट इज योर इक्वेशन नंबर टू। अब इसके नीचे मैं इक्वेशन वन लिख लेता हूँ, आप देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। देखो ध्यान से, कोई भी साइन चेंज नहीं करने, बस दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो वाई से वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल 198, 18 और 180 को ऐड करोगे तब x की वैल्यू आएगी 198 डिवाइड बाय 2, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो ये आ गया 99 डिग्री। ओके, बड़ा एंगल आ गया। y की वैल्यू निकालनी है तो आप करेंगे पुट x इक्वल 99 इन इक्वेशन नंबर 2, किस में पुट कर लेते हैं, 2 में पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 99 प्लस y इक्वल 180। यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 99। आप एक बच्चा बोला कि सर आप यहाँ पे डिग्री क्यों नहीं लगा रहे, मैंने कहा जब भी हम इक्वेशन फॉर्म बनाते हैं तो ना तो मीटर लगाते हैं, ना रुपीज का साइन लगाते हैं, ना डिग्री लगाते हैं, इक्वेशन में कोई भी साइन नहीं लगाते हैं। आप अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं बात। तो इसमें से 99 माइनस करेंगे तो 81 आएगा बच्चा भाई, 100 में से 1 ही तो कम है, तो 80 प्लस 1 81 हो जाएगा। ओके, सो एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अब डिग्री में लिखो आंसर लास्ट में। ओके, तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 6, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हें आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं टाइम स्लॉट के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताएं बच्चा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल रुपीज 2000। मीना बैंक में गई और उसने 2000 रुपए निकाले खाते में से, विड्रॉ करना। सी आस्क द कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर रुपीज 50 and 100 नोट्स ओनली। बोला साहब मुझे ना 50 रुपए और 100 रुपए के नोट में ही देना, मतलब 500 रुपए 1000 के तो बंद हो गए, 2000 का वो दे भी सकता था, बट 2000 के भी अभी मार्केट में अवेलेबल हो गए कम, है ना। तो उसने कहा कि साहब मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट में ही पैसे देना 2000 रुपए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल 25 नोट्स मिले हैं, नोट 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिले उसको 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स रुपीज 50 and 100 सी रिसीव, बताइए उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले, 100 रुपए के कितने नोट मिले। तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है बच्चा। सबसे पहले लेट कर लो, लेट रुपीज 50 नोट्स आर एक्स एंड नंबर ऑफ, यहां पे नंबर ऐसा थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं ना, इसको मैं लिखता हूं लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स आर एक्स एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम की कोई तैयारी करेगा ना कोई बच्चा, तो उसको ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे, है ना। अब ध्यान से सुनो, 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई नोट है, तो मुझे बताओ टोटल नोट कितने हैं उसके पास, 25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 25 है, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिले और कितने पैसे मिले, 2000 रुपए मिले। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपके पास 50 रुपए के एक्स नोट है तो कितने पैसे हो गए, ये क्या पूछ रहे हो सर। मैंने कहा बच्चा 50 रुपए के आपके पास अगर 2 नोट्स होते तो कितने पैसे होते, तो सर 50 प्लस 50 कर लेते। मैंने कहा हाँ भाई, या फिर ऐसा भी तो कर सकते थे 2 into 50। ओ ये बात भी सही है सर, 2 into 50 भी 100 रुपीज होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, एक्स नोट है 50 रुपए के तो पैसे कितने हो गए, तो यहां पे लिख सकते हो अमाउंट ऑफ अमाउंट बाय एक्स नोट्स ऑफ 50 नोट्स, एक्स अमाउंट ऑफ एक्स नोट्स। यहां पे सिंपल सी बात मैं क्या लिखना चाह रहा हूं पता है, मैं ये लिखना चाह रहा हूं बच्चा कि अगर 50 रुपए के एक्स नोट है तो कितना अमाउंट बनेगा, तो अमाउंट बाय एक्स नोट्स बाय एक्स नोट्स ऑफ रुपीज 50 50 रुपए के एक्स नोट है तो इससे कितने पैसे बन गए, तो आप लिखोगे रुपीज 50x एंड अमाउंट बाय वाई नोट्स ऑफ रुपीज 100।
₹100 के अगर आपके पास वाई नोट्स हैं तो आपके पास कितने पैसे हो गए, 100 वाई। देयरफोर हम यहां पे लिख सकते हैं साहब, 50x रुपीज को और 100y रुपीज को ऐड करोगे तो आंसर 2000 ही आएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो खाते से 2000 रुपये निकालने गई थी और उसको 2000 रुपये ही मिले हैं। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ मैं, 50 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x+2y इक्वल हो गया बच्चा 2000 के। 50 को डिवाइड में भेज दो तो x+2y कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाय 50, 10 से 10 कैंसिल, और 5 का डिवाइड 200 में करोगे तो 40 आएगा आई थिंक, हाँ या ना बोलो भाई। तो आप यहाँ पे लिखोगे x+2y = 40, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। 3 भी लेट कर सकते हो, इसको हटा दो, मैं इसको 2 हटा देता हूँ बस। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को नोट कर लेट कर लेते, दोबारा लिख लेते ना, तो x+y कितना हो गया तुम्हारा 25, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे x+2y = 40, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। भाई साहब इक्वेशन 2 को 1 से सेपरेट कर लेते हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया साहब। y-2y - y = 25 - 14, तो ये बचा माइनस प्लस माइनस का 15, क्योंकि 40 माइनस का है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 15। कितनी आ गई भाई साहब, 15। y क्या है, ₹100 के कितने नोट थे, 15 नोट। अब पुट कर दो भाई, पुट y = 15 in equation 1, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका x+15 = 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 - 15, दैट इज 10। तो ₹50 के कितने नोट है, 10 नोट है, और ₹100 कितने नोट है, 15 नोट है, तो आपको पता चल गया टोटल 25 नोट्स हैं। और पैसे भी बना के देख सकते हो, देखो 10 नोट ₹50 के, तो 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ₹500, और 15 नोट ₹100 के, 15 नोट्स हैं ₹100 के, तो ₹1500 हो गए, 1500 + 500 ₹2000 हो गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स आर 10 एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स आर 15। ऐसा क्वेश्चन क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में भी था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बच्चा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।